मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम सुदेश शर्मा फ्रॉम ASN हाई स्कूल। आज का टॉपिक क्लास 9 साइंस चैप्टर नंबर 14। लास्ट वीडियो में हमने बहुत सी चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया था। सॉइल क्या है, वाटर क्या है, उनके पोल्यूशंस, राइट। आज हम बात करेंगे बायो जियोकेमिकल साइकिल्स। एक्चुअली हमारे नेचर में बहुत सारे मिनरल्स हैं, बहुत सारे बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट हैं, पर फिर भी उनके बीच क्या है, उनके बीच एनर्जी और मैटर का फ्लो मतलब कि बीच में ट्रांसफ़र होना, एनर्जी का और दूसरा किसका, एनर्जी का और मैटर का ट्रांसफ़र, जिससे कि प्रकृति में नेचर में ये कांस्टेंट फॉर्म में बने रहते हैं। हमारी बेसिक नीड है जैसे वाटर है, क्या वो कैसे बैलेंस बना रहता है, ऐसे कौन से प्रोसेस है, जैसे आज हम उन्हीं प्रोसेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। द बायो जियोकेमिकल साइकिल्स, अ कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन द बायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द बायोस्फीयर मेक्स अ डायनेमिक स्टेबल सिस्टम बनाता है, उसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो हमारा इसमें फर्स्ट पॉइंट है वाटर। वाटर क्या है, हमें पता है हमारी बेसिक नीड है वाटर। वाटर के बिना वी कैन नॉट लाइव, ओके। तो वाटर क्या है, वाटर बहुत सारी फॉर्म में हमारी नेचर में पाया जाता है, इन लिक्विड फॉर्म, इन सॉलिड फॉर्म, इन गैसेस फॉर्म। तो हम देखते हैं कैसे वाटर एवोपोरेट होता है, मतलब वाटर एवोपोरेट मतलब वाटर का वाटर वेपर्स में चेंज हो जाना, है ना, फ्रॉम द वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज जैसे कि सी, लेक्स एंड रिवर्स, ठीक है। उसके बाद वो कंडेंसेशन होता है। कैसे होता है कंडेंस, मतलब जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ता चला जाता है। वाटर वेपर्स क्या है, गर्म होती हैं, हॉट एयर्स होती हैं। हमें पता है हॉट एयर्स क्या है, हमेशा ऊपर की ओर उठती हैं, ठीक है। कंडेंस होकर फिर ये रेन के रूप में फिर से वापस आ जाता है। और हम ये देखते हैं कि लेकिन सी और ओशन फिर भी सूखते नहीं, ड्राई अप नहीं होते। देन ये पानी कैसे इन वाटर बॉडीज़ में वापस आया, ठीक है ना, इसी को कहते हैं वाटर साइकिल। इसी के बारे में डिस्कस करेंगे पूरा प्रोसेस जिसमें वाटर एवोपोरेट होता है, फॉल्स ऑन लैंड एज रेन और लैंड पर रेन के रूप में वापस आता है, और फिर से लेटर फ्लो बैक इनटू द सी, और फिर से सी में वापस चला जाता है, और रिवर्स में। दिस इज कॉल्ड वाटर साइकिल। ये वाटर साइकिल ऐसे नहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि भाई पानी यहाँ से एवोपोरेशन हुआ, ऊपर गया, फिर पानी रेन के ऊपर वापस आया और फिर से पूरे फुलफिल हो गए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। क्योंकि सारा का सारा पानी कभी ऐसा नहीं सारा का सारा पानी सीधा ही सी या समुद्र में चला जाए। कुछ क्या होता है, कुछ समुद्र में चला जाता है, कुछ सॉइल सीप सोख लेती हैं, कुछ अंडरग्राउंड वाटर में चला जाता है। अंडरग्राउंड वाटर, यू नो दैट, अर्थ के नीचे पाया जाने वाला पानी अंडरग्राउंड वाटर के रूप में चला जाता है। और इस पानी को हम कैसे, जैसे हम कुआ खोदते हैं ना, वॉल से जब पानी खींचते हैं उससे हम इस पानी को प्राप्त कर सकते हैं। तो इट्स अ सिंपल, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले वाटर का एवोपोरेशन के द्वारा क्लाउड बनना, क्लाउड बनने के बाद फिर वो रेन के रूप में वापस आ जाना, ठीक है। और वाटर इज कैपेबल ऑफ डिजॉल्विंग लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस। वाटर क्या है, सबसे एक तो हमने तो ये सिंपल प्रोसेस शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। देन मोर, एक मोर एस्पेक्ट क्या है, वाटर क्या कैपेबल होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सब्सटेंस डिजॉल्व हो सकते हैं, ठीक है ना। एक सोल्यूशन है, सॉरी एक सॉल्वेंट है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। एज द वाटर फ्लो थ्रू अ ओवर रॉक कंटेनिंग सॉल, जब ये फ्लो आउट होता है रॉक के ऊपर से, तो क्या साथ साथ मिनरल्स को अपने में डिजॉल्व कर लेता है, और धीरे धीरे पानी के साथ साथ ये वाटर बॉडीज में चले जाते हैं, जिससे कि रिवर्स के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स सी से लैंड से सी तक जाते हैं, जो कि मैराइन ऑर्गेनिज्म द्वारा उनका यूज़ किया जाता है। चलिए तो सिंपल हम पढ़ते आ रहे हैं। आ जाता है ग्रेट एंड ग्रेट नाइट्रोजन साइकिल। आप 8th में ही पढ़ चुके हो चैप्टर नंबर 2 में, नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा, बिल्कुल वही है, हल्का सा ब्रॉड एस्पेक्ट है, सेम वही है। सबसे पहले पॉइंट क्या है, 78% एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, क्योंकि प्रोटीन का और DNA, RNA और विटामिन्स का मेन पार्ट है, ओके। और साथ साथ में नाइट्रोजन बायोलॉजिकली इम्पोर्टेंट कंपाउंड है, जैसे कि एल्कलॉइड्स एंड यूरिया में भी नाइट्रोजन पाई जाती है, और साथ साथ सारी लाइफ के लिए मेन न्यूट्रिएंट भी है, क्या, नाइट्रोजन। लेकिन नाइट्रोजन को हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाते, इसके लिए यूज़ कौन करते हैं, कुछ बैक्टीरिया करते हैं, हम इसको यूज़ नहीं कर पाते। हमें क्या करता है, इस नाइट्रोजन को हम डायरेक्ट यूज़ ना करके इसको मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में यूज़ करते हैं, जिसे हम कहते हैं
नाइट्रेट्स या नाइट्राइट में पहले से चेंज करना पड़ता है, और ये काम कौन करता है? यस, बैक्टीरिया, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग का वर्क कहलाते हैं, बैक्टीरिया हैं। राइजोबियम नेट्रिकुलम, जो डाइकॉट प्लांट्स जैसे कि पीज, मटर की जड़ों में पाए जाते हैं, जिन्हें कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी जनरा है, उसमें उसकी नॉड्स नोड्यूल्स में पाए जाते हैं, जड़ों में पाए जाते हैं, इस कॉल्ड बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं, डायरेक्ट एयर की नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में चेंज करते हैं, जिसे आसानी से प्लांट इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, देन नाउ और एक दूसरा प्रोसेस है जिसमें नाइट्रोजन नाइट्रेट और नाइट्राइट में चेंज हो, दिस इज द लाइटनिंग। बिजली चमकती है ना बहुत तेज से, तो हाई टेम्परेचर प्रेशर के कारण बहुत सारी एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में चेंज हो जाती है। ठीक है, अब ये ऑक्साइड जो पानी में घुले हुए हैं नाइट्रोजन एसिड्स, रेन के रूप में वापस आ जाते हैं। जैसे बारिश होती है, एटमॉस्फेयर जो ऑक्साइड्स बनते हैं रेन के रूप में वापस आ जाते हैं, और इसको बहुत सारे लाइफ्स इसको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, चलो भाई क्या होता है, नाइट्रोजन एक बार तो चेंज हो गई और एनिमल्स ने इसको प्लांट्स ने इसको यूज़ कर लिया। ठीक है, उसके बाद क्या क्या होता है, यस, प्लांट इसको यूज़ कर लेते हैं और इसको एमिनो एसिड में चेंज कर देते हैं, जिससे बहुत सारा प्रोटीन बनता है। यही प्रोटीन एनिमल्स डायरेक्ट प्लांट से लेते हैं और उसका यूज़ करते हैं। एंड व्हेन एनिमल प्लांट रहा, और जब प्लांट और एनिमल मर जाते हैं, तो कुछ बैक्टीरिया जो सॉइल में रहते हैं, ये नाइट्रोजन को दोबारा से नाइट्राइट्स और नाइट्रेट में चेंज कर देते हैं। एंड अ डिफरेंट टाइप और दूसरे टाइप के बैक्टीरिया फिर से नाइट्राइट और नाइट्रेट्स को सिंगल प्लेन नाइट्रोजन में चेंज कर देते हैं। इस प्रकार से नाइट्रोजन साइकिल नेचर में बैलेंस फॉर्म में बनी रहती है। ओके, सिंपली फॉर्मूला भी देख लेते हैं भाई। सबसे पहले नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर, भाई सबसे पहले तो नाइट्रिफिकेशन के द्वारा एटमॉस्फेयर, इंडस्ट्रियल फिक्सिंग, नाइट्रिफिकेशन नाइट्रेट्स, डेंट्रिफिकेशन नाइट्रोजन फिक्सिंग ग्रीन प्लांट ने लिया, अमोनिफिकेशन मतलब बॉडी से अमोनिया निकालते हैं ना यूरिन फॉर्म में, अमोनिफिकेशन, अमोनिया निकला, फिर उसे नाइट्राइट में चेंज किया गया नाइट्रेट्स, और सीधे फिर से प्रोटोप्लाज्म यूज़ कर लेते हैं। थर्ड इज प्रोटोप्लाज्म में एनिमल्स इसको यूज़ करते हैं, अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट्स, और फिर से दोबारा से ग्रीन प्लांट्स को फिर से यूज़ कर लेते हैं, राइट। अब एक कार्बन, हमें पता है कार्बन नेचर में सबसे ब्रॉड पार्ट है, जो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। सबसे पहले तो कार्बन क्या है, बहुत सारी फॉर्म्स में पाया जाता है अर्थ पे। ठीक है, अगर हम एलिमेंट के रूप में बात करें, मतलब सिंगल एलिमेंट फॉर्म में, सिंगल फॉर्म में, तो डायमंड और ग्रेफाइट के रूप में पाया जाता है। पर कंबाइंड फॉर्म में बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है, साथ में कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के रूप में, मिनरल्स की फॉर्म में, साल्ट है, कार्बोनेट सॉल्ट्स मिनरल्स की फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, वाइल्ड जबकि बहुत सारी लाइफ जो फॉर्म्स है वो बेस्ड होती है कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स पे, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स, भी क्या कार्बन से ही मिलके बने होते हैं। यहाँ तक कि एंडो स्केलेटन एंड एक्सो स्केलेटन, हमारी बॉडी का है ना जो बोन्स है, स्केलेटल सिस्टम बनाते हैं। एंडो स्केलेटन मतलब बॉडी के अंदर की बोन्स, एक्सो स्केलेटन जो बोन्स, जो बॉडी का जो बोन्स पार्ट है वो बाहर दिखाई देता है, जैसे एक्सो स्केलेटन। ये सारे के सारे क्या है, ये भी कार्बोनेट सॉल्ट से ही बने होते हैं। तो कार्बोनेट्स आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू लाइफ फॉर्म थ्रू द बेसिक प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और साथ साथ कार्बन क्या है, बेसिक प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस के रूप में, बॉडी में सनलाइट की प्रेजेंस में, जब बनाते हैं ना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, उसमें पाया जाता है। ठीक है, और ये काम कौन करता है, फोटोसिंथेसिस जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। कौन सी लाइफ फॉर्म जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, दिस इज अ प्लांट्स। ओके, द प्रोसेस कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर और डिजॉल्व इन वाटर इनटू ग्लूकोज मॉलिक्यूल, दिस ग्लूकोज मॉलिक्यूल आर इधर कन्वर्ट इनटू अदर सबस्टांस और यूज टू प्रोवाइड एनर्जी ऑफ द सिंथेसिस ऑफ अदर बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल। कुल मिला के फोटोसिंथेसिस के बारे में बात की है, जिसमें कि सनलाइट की प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस, सनलाइट की प्रेजेंस, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में पौधे फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड का सिंथेसिस करते हैं, जिसमें कि मेनली कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ किया जाते हैं ना, वही कार्बन के रूप में फूड को प्रोड्यूस किया जाता है। द यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोवाइड एनर्जी, अब इसी फूड को जब एनिमल्स लेते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उन्हें एनर्जी प्रोवाइड कराता है ग्लूकोज, और जिसमें किया, और ये प्रोसेस क्या है, रेस्पायरेशन। यस,
या तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है या फिर ऑक्सीजन की एब्सेंस में, आप सबको पता है। चलिए फिर हम जब रेस्पायरेशन के थ्रू फिर से रेस्पायरेशन में ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, फिर से ग्लूकोज को तोड़ते कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से एटमोसफेयर में रिलीज कर दिया जाता है। चलिए भाई एक और भी प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होती है एटमॉस्फेयर में, ये होता है कम्बशन। आपको पता है कम्बशन जब फॉसिल फ्यूल को जलाए, किसी फ्यूल को जलाया जाता है तो उसमें हीट एंड लाइट अगर प्रोड्यूस होती है तो उस प्रोसेस को बोला जाता है कम्बशन। दैट्स राइट, व्हाइल फ्यूल आर प्रोवाइड एनर्जी, जब हम एनर्जी के लिए फ्यूल को यूज़ करते हैं हीटिंग में, कुकिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में, बहुत सारे पर्पज़ में, तो बहुत सारी परसेंटेज कार्बन डाइऑक्साइड के एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होती है। बहुत सारे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल वर्क है, बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, फिर से दोबारा से एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो कार्बन जैसे कि पानी की तरह ही क्या रिसाइकल्ड, रिपीटेडली रिसाइकल होता ही रहता है डिफरेंट फॉर्म में, और कुछ फिजिकल और कुछ बायोलॉजिकल एक्टिविटी के थ्रू। चलो भाई आज के लिए हम तीन साइकिल ही बहुत हैं, इन्हें अच्छे से याद कर लेना, इनके छोटे छोटे पॉइंट्स भी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।